गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में आपके लिए पोटोलोका फ्लावर के बारे में सारी जानकारियां लेके आई हूँ। पोटोलोका फ्लावर एक समर में खिलने वाला बहुत ही बेहतरीन फ्लावर है, जो कि जिसके फूल की गुलाब की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसे मॉस रोज के नाम से भी जानते हैं और इसे 9 o'clock भी कहा जाता है। ये पोटोलोका जो है ये मार्च से लेके अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा ब्लूम करता है। ये देखिए मेरे सारे ही गमले लगे हुए हैं और ये कितने सुंदर ब्लूम कर रहे हैं, इनको मैं आपको दिखाना चाहती थी। और इधर मैंने ये प्लांटर्स भी लगा रखे हैं, इनमें भी बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसके पोटोलोका के बारे में जानकारी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फ्लावर जो है ये मार्च के शुरू से लेके जब स्प्रिंग होती है तब से लेके अक्टूबर तक ब्लूम करता रहता है और ये बहुत ही अच्छा और सुंदर ब्लूम करता है। और इसके जो फूल हैं वो बड़े बड़े और गुलाब की तरह दिखते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैरायटी के बारे में बात करते हैं। तो ये फ्रेंड्स ज़्यादातर दो वैरायटी में आता है। एक इसकी ये देसी वैरायटी होती है जो कि आपकी वाइट कलर में मिल जाएगी और ये डार्क पर्पल कलर में, जिसके कि ज़्यादातर मेरे उसमें पौधे लगे हुए हैं। और एक ये हाइब्रिड वैरायटी होती है, जिस इस हाइब्रिड वैरायटी के देखिए मैंने रेड कलर के ये पोटोलोकास लगा रखे हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी है, तो इसको हम दो कैटेगरीज में मेन बांट सकते हैं। इसके अलावा ये पॉर्सलेन वैरायटी में भी आता है और ये भी खूब ब्लूम करता है। ये देखिए मैंने ये पौधे लगा रखे हैं, हालांकि ये बहुत बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन जब इन पे धूप पड़ती है तो ये बहुत ही प्यारे कलर के, पीच कलर के ये खिलते हैं। तो ये पॉर्सलेन वैरायटी में भी आता है। तो देखिए जो धूप हम लोग के लिए हार्श होती है, बहुत ही हार्श धूप जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी ये बहुत ही अच्छा और मुस्कुरा और खुशी से ये सहन कर लेता है। और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, रेनी सीज़न होगा, ये उतना ही ज़्यादा ब्लूम करता है और सुंदर लगता है। तो अब हम इसके जो है इसमें इसके लिए इसके इसके इसमें वाटरिंग की बात कर लेते हैं। तो ये जितना ही ज़्यादा गर्मी में रहता है ये उतना ही कम पानी पसंद करता है, क्योंकि देखिए इसकी जो ये थोड़ा सा जो है ये सकलिन वैरायटी का प्लांट है और जो इसकी इसकी ये जो डालियाँ होती हैं ये थोड़ी सी देखिए थोड़ी सी जो है वो थोड़ी स्पंजी टाइप की होती हैं इसकी, तो ये अपने अंदर पानी ज़्यादा सोख कर लेती हैं। अगर इसमें आप इस ज़रूरत से ज़्यादा वाटरिंग करेंगे या वाटरिंग बार बार करेंगे तो इसमें हरियाली बहुत हो जाएगी और फूल कम हो जाएंगे। तो इसमें अगर आपको अधिक से अधिक फूल लेने हैं तो इसमें आपको पानी कम डालना पड़ेगा। एक बार आप इसमें 3-4 दिन में पानी डाल दीजिए, उसके बाद वेट करिए कि जब गमला सूख जाए आप तभी उसमें पानी दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे फ्लावर्स जो हैं ये ब्लूम करते हैं। अब हम इसकी जो है वो इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं कि देखिए इसकी जो सॉइल हम तैयार करें वो सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो सौगी हो, बिल्कुल भी जो है वो सख्त टाइप की या बिल्कुल खाली मिट्टी ना भर दें, क्योंकि क्या होता है कि उसमें जड़ें जो हैं वो अंदर ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा तो जड़ों इसमें पौधे में पानी रह जाता है और इसकी जड़ें सूख जाती हैं। तो इसके ड्रेनेज सिस्टम का, ड्रेनेज होल का हमको बहुत ध्यान रखना है कि जो हम पानी डालें वो इसमें से बराबर जो है वो ड्रेन हो जाए, ये उतना ही पानी अब्जॉर्ब करे कि जितनी इसको ज़रूरत है बाकी निकल जाए। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा जो है सॉइल मिक्सचर के बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखिए इसका जो आप सॉइल मिक्सचर तैयार करें, इसमें आप टोटल गार्डन सॉइल ना रखें। ये जो मैंने इसका मिक्सचर तैयार किया है इसमें देखिए इसमें 60% गार्डन सॉइल है और 30% इसमें मैंने जो है ये बजरी या जिससे कि ये थोड़ी पोला बना रहे और ये पानी इससे बाहर निकल जाए ड्रेनेज होल से, वो लिया है। थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी इसमें डाली है और ये करके ये इस तरीके से मैंने गार्डन इसकी जो है गमले में मिट्टी तैयार करी है। और जब भी आप इसमें पानी डालें और आप ये देखें कि बहुत समय तक इसमें से पानी ड्रेन नहीं हुआ है और ये पौधा गीला है, तो आप इसके ड्रेनेज होल को ज़रूर चेक करें। ड्रेनेज होल को चेक करें कि इसमें पानी क्यों ठहर रहा है। अगर ड्रेनेज होल अच्छा नहीं है तो क्या होगा कि वो पानी लेती जाएंगी जड़ें और अल्टीमेटली वो सूख जाती हैं। तो ये जितना ही हार्श गर्मी में रहता है ये उसको इसको पानी उतना ही कम चाहिए। अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसकी, जिसको गार्डन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं डेड हेडिंग। ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है ये डेड हेडिंग, ये इस तरीके से जो फूल खिल जाते हैं उनको हमको ये इस तरीके से हटा देना चाहिए। ये
क्योंकि होता क्या है कि ये डेंड्राइटिंग्स जो है ये सब पानी लेती रहती है, इनमें कलियां भी बनने का चांस कम रह जाता है। ये देखिए ये भी सब ये डेंड्राइटिंग्स के हैं, ये देखिए ये डेंड्राइटिंग, ये सब इसमें से ये हटा देने चाहिए, ये इस तरीके से रिमूव कर देने चाहिए। इससे हमारी कलियां भी और आती हैं, और बीच बीच में क्योंकि ये एक घास के फॉर्मूले का प्लांट है तो इसमें अक्सर जो है जंगली घास भी हो जाती है, ये भी हमें सब निकाल देनी चाहिए, नहीं तो वो नरिशमेंट और पानी लेती रहती हैं और फिर हमारे उस पर जो है वो बर्ड्स काम आती हैं। अब हम इसके इसकी पॉटिंग का के बारे में बात करेंगे। तो ये दो प्रकार से पॉटिंग में लगाया जाता है। देखिए एक तो ये सीड के थ्रू ग्रो किया जाता है और एक ये कटिंग्स में ग्रो किया जाता है। बट इसका जो सीड वाला फॉर्मूला है वो मुझे इतना सक्सेस नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इन हाइब्रिड वेराइटीज़ के उसको ये हम लगाते तो इसलिए इसमें अक्सर जो है सीड पॉट बन जाते हैं जगह जगह। मैं समय आपको दिखा नहीं सकती, बट सीड पॉट बने रहते हैं इसमें। तो उन सीड्स को हम ले लेते हैं या हम पैकेट वाले सीड ले आते हैं, तो अगर हम कटिंग के उसमें से सीड पॉट में से सीड निकाल के इसके गमले में बोते हैं तो जैसे कि ये हाइब्रिड दिखाई दे रहा है इस तरीके का, ये देखिए जैसे ये दिखाई दे रहा है। जब हम सीड से इसको बोते हैं तो ये इस तरीके से नहीं निकलता, ये ऐसे करके मैंने कई बार ट्राई करके देखा है, इस तरीके के ये सिंगल फूल निकल आते हैं। ये गमला मेरा जो है ये मैंने बहुत ही ये सीड से ही तैयार किया हुआ गमला है। मैंने एक दो गमलों में और भी ट्राई करके देखा लेकिन वो मेरा सक्सेस नहीं रहा, और उसमें जो है वो सिंगल पेटल ही फ्लावर्स निकले, तो फिर मैंने सीड वाला बंद कर दिया। अब इसका जो सक्सेस फॉर्मूला है वो है इसका कटिंग से लगाना। तो कटिंग में ये है कि कटिंग में आप कहीं से भी देखिए, ये है इसको हमने ऐसे काट लिया, ये है इसको हमने ऐसे काट लिया, बहुत आसान है, वेरी इजी। ये देखिए इसको हमने यहाँ से काट लिया, ये काट लिया हमने, उसके बाद हमने इसको ये यहाँ से काट लिया। इस तरीके से हम जो है इसको इसकी इसको हम इस प्रूनिंग के तौर पे ये काट सकते हैं, और काट करके ये जो हमने इसकी सॉइल तैयार की है इस पे हम इसको ये ऐसे करके ये ऐसे हम इसकी मिट्टी में इसको लगा देंगे, और ये थोड़े ही दिन बाद आप देखेंगे कि ये गमला जो है ये पूरा आपका भर गया। जब ये इस तरीके से फैले, इसमें आप दो चार छः कटिंग और भी चाहें तो लगा सकती हैं इस गमले में। तो अब चलिए जैसे कि ये है ये नीचे लटक रहा है, चलिए हम इसको भी लगा देते हैं इसी गमले में ये। तो इस तरीके से ये स्प्रेड कर जाती हैं अपना, और ये पूरा गमला आपका जो है ये थोड़े दिन बाद जो है ये ब्लूम करने लगेगा, इसमें बर्ड्स आएंगी और ये खिलने लगेगा। अब जो मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात है, वो ये है कि ये जो है ये एक तरीके की ग्रास है, एक्चुअली ये एक तरीके की फ्लावरिंग ग्रास है जो कि आपकी जो है हॉरिजेंटल वे में जो है ये आपकी फैलती है, हॉरिजेंटल वे में, और काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। तो इसको जो है जैसे इसके फ्लावर लटके ना, और जैसे ये बुशी है ऐसे हो जाएं, जैसे ये बुशी है इस तरीके के हो जाएं, इसके लिए आपको करना ये होगा कि जब ये फैलने लगे तो इसको आप वहीं से कट कर दीजिए इस तरीके से करके। तो क्या होगा, इसमें ब्रांचेस इधर से और निकलेंगी और ये पूरा गमला आपका बुशी हो जाएगा, और ये जो आप ब्रांचेस निकालें इनको आप किसी भी पॉट में, चाहे तो इसी की साइड में या जैसे ये गमला मैंने लिया है, आप इसमें भी इसको लगा सकते हैं। थोड़े दिन में ये गमला जो है आपका फ्लावर से भर जाएगा। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ वो इसके थोड़ा सा मैं इसकी जो है वो इसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, इसके इसमें कीड़े लगने का। तो मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे पोटोलोकास पे कभी कीड़े लगे हों, कि कभी भी कोई, कभी कभी मैंने मिली बग देखे हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर इनके हिसाब के उसमें जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, या आपने ऐसी जगह पर रखा है कि वो और पौधों में है मिली बग, तो वो कभी लग जाते हैं। तो उसके लिए मैं आप कोई भी मैं तो करती ये हूँ कि जैसे कि थोड़ा सा मैं सर्फ़ का पानी लेती हूँ, सर्फ़ के पानी में मैं थोड़ा सा सोडा डाल लेती हूँ, उसको बॉटल में हिलाया उससे स्प्रे कर दिया, तो वो मिली बग सारे गिर जाते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये है मेरे पोटोलोका फ्लावर्स के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी।
अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि आगे के आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी अपने घर में इसी प्रकार से फ्लावर्स लगा सके। थैंक यू।